अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये वाला फूल बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, मैंने ट्रेस कर लिया है और अब मैं पहले पत्तियां बनाना सिखाऊंगी आपको। वैसे ही पहले आधी बना लें, फिर आधी बना लें, इस तरह करके बना लें। हाफ हाफ करके बनेंगी ये। ये देखें, हाफ बना ली मैंने। अब ये वापस हाफ बना रही हूँ इस रंग करके। और अब ये फिरोजी रंग के धागे से छोटी सी पत्ती सी बना रही हूँ। देखिए, मैंने बना लिया। अब ये येलो कलर के धागे थे, मैं सनफ्लावर बनाने लगी हूँ। आड़ी पत्तियाँ बनाऊँगी। ये इस तरह आड़ी पत्तियाँ बन जाएंगी सारी। देखें, ये एक बन गई, बाकी भी इसी तरह बनेंगी। फिर ये फूल रेडी हो जाएगा। ये देखें, ये फूल रेडी हो गया। अब ये पत्तियों में मैंने शेड डाला है और ये मैंने जंजीरे टांके का पहला स्टेप बनाया है। बाकी पत्तियाँ बना ली हैं मैंने। अब इसमें मैं आपको शेड डालने का तरीका बता रही हूँ। ये केमिल कलर का धागा लिया है मैंने और इसे सीधी सीधी लाइनें डाल लूँगी इसमें ना। छोटी बड़ी डाल सकते हैं, एक जैसी भी डाल सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। इसमें ये होती है ना सनफ्लावर में ये लाइनें, इस तरह आप ये डाल लें। ये देखें, ये सारी होगी। अब ये डार्क ब्राउन कलर का, इसी शेड का ब्राउन कलर है ये, ब्लैक ब्लैक सा। अब मैं इससे ही फिलिंग कर लूँगी एक। ये देखें, इस तरह फिलिंग कर लें। ये लाइन मैंने डाली हुई है, ब्लैक कलर की वजह से नज़र नहीं आ रही है। अब ये कंप्लीट हो जाए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो स्टेट करवा लें। ये देखें, ये मैंने ब्राउन बना लिया। अब मैं जो लाइनिंग जिससे डाली है ना, उसी की उसी धागे से उसी कलर से मैं दो तीन बल देके ये मोती से बना दूँगी। अब ये कंप्लीट हो जाए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर फोटो स्टेट भी करवा सकते हैं। फिर जो मैंने तरीका बताया ट्रेस करने का, तो वैसे कीजिएगा। ये बहुत अच्छा लगता है बनके और बहुत इजी है। देखें, आपके सामने मैंने बनाया। ये इस कलर के हो गए। अब ये इससे थोड़ा सा डार्क ब्राउन लिया, ये येलो नहीं है, येलो से अलग शेड है इसका, थोड़ा सा डार्क ब्राउन है। ये इसी येलो के डार्क शेड आ रहे हैं। ये देखें, इसी तरह मैं बल दे के बना रही हूँ। और आप ये बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा।
ये देखें, ये देखें, ये दो बल देख के फिर उसी सुराख में डालना है, ये धागे को छोड़ना नहीं है, दो बल दें और उसी सुराख में, ये देखें मैंने धागा पकड़ा हुआ है, इतना पकड़ के रखें। ये देखें, ये मैंने सब बना लिए और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी डार्क ग्रीन कलर के धागे से शेड देने का तरीका पत्ती में, बहुत इजी है। ये देखें, सीधे सीधे स्टेप लेने हैं, डंडियाँ सी बन जाएंगी। ये देखें कंप्लीट हो गया, और ये देखें उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो या कुछ और सीखना हो, और मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।